अगस्त में अभी सुबह सुबह उठा हूँ और पहले तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर अब थोड़ी कम हो चुकी है। मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मम्मा नहाने गया हुआ था, तो आई एम सॉरी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है पहाड़ों का, बीच बीच में घर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लगे। एक बार मैंने ऐसे यहाँ पे बैठ के एक ड्राइंग भी बनाई थी ऐसी, तो बहुत अच्छी बनी थी, पर वो गाइस राल ने फाड़ दी। जो अच्छी चीज़ होता है वही रात फाड़ता है, और गंदी चीज़ को तो कोई फाड़ता नहीं। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, मैंने अभी रात का आधी चॉकलेट खा चुका हूँ। तो आज मैं और मामा बना रहे हैं मिर्च का अचार, जिसके अंदर हम थोड़े से नींबू भी ऐड करेंगे। तो मैं आपको मामा को नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मामा ब्लॉगिंग कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे काटते हैं। तो आज मैं पहली बार नहीं काट रहा हूँ, पर मुझे काफ़ी डर है। एक बार मैं नींबू काट रहा था, मेरा हाथ कट गया, तो उस दिन से मैं बहुत डरता हूँ नींबू से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक बच्चा हूँ चाकू के मामले में। ये देखो वही डरपोक ने मेरा साथ दे दिया। तो गाइस अभी हम देख सकते आप, मैंने यहाँ पे नींबू काट लिया है और अभी मैंने मिर्ची वॉश करी थी, तो मैं उसको पहुँच रहा हूँ। तो गाइस मैंने ये हमारे घर के नींबू है और मिर्ची भी घर की है, तो मेरा इसमें सब कुछ घर का ही है। और ये बस किसका डब्बा है? हाँ गाइस, तो ये मेरे मशरूम में मिला था डब्बा, तो मम्मा ने इसका कर दिया है मिर्ची रखने के वाला। तो क्या थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नींबू बहुत पसंद है थोड़ा सा। तो कैसे मुझे नींबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा जब भी मुझे कहीं नींबू की डिश या नींबू दिखा तो मैं खा। तो कैसे अभी मम्मा और नींबू काट लिए छोटे छोटे पीस में, और आपको मिर्ची लंबे में ही काटनी है। तो अभी आपको जितना तो वैसे जितना बन के थोड़ा सा हो जाता है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची लेनी है, काट देनी है, और बन के थोड़ा सा हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखना। और इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, और फिर जो हमने मिर्ची काटी थी और नींबू काटे थे उसको इसके अंदर डाल लिया, और थोड़े से और मसाले डाल दिए थे, हल्दी दही मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। तो इसको दो चार मिनट घुमाते रहना है, और फिर बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइस हमारा चाल इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हमने अचार को डिब्बे में भर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।